ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, आज की स्वीट मोमेंट्स अगेन बात करेंगे यूजुअल कॉइन के ऊपर। याद रहिएगा, यूजुअल कॉइन जो है वो एक्चुअली में रिसेंटली मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, बट ये एक प्रोडक्ट नहीं है, इसकी ऑलरेडी तीन प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। इन तीनों की यूटिलिटी है, इन तीनों का यूज केस है, सो दैट आपको समझ में आएगा कि भैया अगर आप इनका स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं, एक चीज। और अगर आप इनके टोकन को, जो यूटिलिटी टोकन है, जो गवर्नेंस टोकन है, उसको होल्ड करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, और इनका यूजुअल टोकन जो है वो एक्चुअली में है क्या। और साथ ही फ्लैश यूएसडीटी के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो इंस्टाग्राम के अंदर मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस इनबॉक्स कर रहे थे कि भैया ये क्या सिलसिला है और कब तक फ्लैश यूएसडीटी मिल जाएंगे, ठीक है। स्कैम को लेके भी बहुत सारे लोगों के में दिमागों में खदशात है, डाउट है, ठीक है। तो करना क्या है, इसके ऊपर भी डीप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, एंड स्क्रीन के अंदर मैं आपको यहाँ पर वो वीडियो दे दूंगा फ्लैश यूएसडीटी को लेके, उसको अंदर आपने लाजिम वॉच करना है। याद रखिएगा कि ईच यूएसडीटी यानी कि एक स्टेबल कॉइन के बराबर होगा कितना, 160 यूएसडीटी फ्लैश यूएसडीटी। क्या ये स्कैम है, क्या ये वाकई में जेन्युइन है, क्या इसकी वाकई में यूटिलिटी, कहां से बाय कर सकते हैं आप में मेरे जैसा बंदा है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है और अपने लिए फायदा उठा सकता है, किस तरीके से उठा सकता है, वो ऑलरेडी हम यहाँ पर एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दे देंगे। मेक श्योर कीजिएगा वो वीडियो को आपने लाजिम वॉच करना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यूजुअल कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखिएगा इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्री मार्केट के अंदर लाइव हो चुका है, ठीक है। यकीनन वीडियो थोड़ी सी लेट है, बट इससे पहले जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली, ठीक है ना। नाउ एक वो कॉइन है यूजुअल कॉइन USD1, यानी कि एक पहला इनका जो प्रोडक्ट है वो USD1 के नाम से, यानी कि ये वो प्रोजेक्ट है जो कि इनका फिएट यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के इक्विवेलेंट है, एक फिएट करेंसी के इक्विवेलेंट है, एक USDC या फिर USDT के बराबर होगा एक प्रोडक्ट, एक कॉइन, ठीक है ना। ये क्या है, USD1। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका है वो USD1++, ये दूसरा वो प्रोडक्ट है जो कि आपको गवर्नेंस के लिए, स्टेकिंग वगैरह के लिए, इनकी खुद की यूटिलिटी के लिए जो है वो प्रोजेक्ट का आप इस टोकन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा ये वो गवर्नेंस यानी कि वो स्टेकिंग प्रोडक्ट है जिसको आप होल्ड करेंगे तब क्या होगा, आपको इनका जो तीसरा प्रोडक्ट है यूजुअल कॉइन उसके ऊपर जो है वो आपको रेवेन्यू मिलना शुरू होगा। यानी कि स्टेबल कॉइन तो एक अलग है, पेमेंट एज अ पेमेंट मेथड आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उसी को आप होल्ड करते हैं तब क्या होगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा, और रेवेन्यू किस सूरत में मिलेगा, उनके खुद के यूजुअल टोकन की सूरत में मिलेगा। और इस टोकन की एक कॉइन की जो ईच कॉइन की प्राइस है वो लगभग 0.22 सेंट्स के करीब चल रही है, ठीक है ना। और ये जो लिस्ट हुआ था वो लगभग 0.012 से लिस्ट हुआ, और प्रेजेंट टाइम में अच्छा खासा बूम होता हुआ मार्केट के अंदर हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, लगभग 22 सेंट जो है उसकी प्राइस चल रही है, और 47 के ऊपर गया था, करीब करीब नियर अबाउट हाफ डॉलर के ऊपर ही गया था। उसके बाद जो है वो इसने प्राइस को सेटलमेंट किया, प्राइस के अंदर यहाँ से जो है बेसिकली यूँ समझ लें कि प्रॉफिट टेकिंग हुई। प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद इस वक्त अब ये वो एक लेवल पे आके जो है वो क्या कर रहा है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे इसके अंदर प्राइस के अंदर हम एप्रिसिएशन देखेंगे, ठीक है। और मजीद अगर मैं बात करूँ तो इसकी कैंडल जो है वो प्रॉपर प्रेजेंट टाइम पे जो है वो ग्रीन की ग्रीन बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुलन खड़ा है सर पे, हर एक एक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है, वो क्या है कि भैया जब भी बुलन आता है तो कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर जो है वो अनफॉर्चुनेटली जिसके अंदर जो है वो इंस्टेंटली उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट करना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ डीप इन को लेके, डीप इन के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर RW की बात करता हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे लेके जो प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यूजुअल कॉइन भी मैंने आपको बताया इनकी जो बैकिंग है वो क्या है, सॉरी ये बताना मैं भूल गया कि ये इनका जो स्टेबल फिएट कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, इसकी बैकिंग किससे, RW यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट के जो प्रोडक्ट्स है उससे बैकिंग है, US ट्रेजरी बिल से इसकी जो है वो बैकिंग की गई है, विच मीन्स के एक तसल्ली देता है आपको, एक कॉन्फिडेंट देता है आपको, जो है वो एक ट्रस्ट देता है कि भैया आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूं तो भैया इस चीज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मेटावर्स के जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे खासे बूम होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहीं पे ELF कॉइन जो है वो भी पंप होता हुआ नजर आ, यानी कि अगर मेटावर्स की मैं बात करता हूं वो प्रोडक्ट, और ELF कॉइन जो है वो प्रोडक्ट, ये दोनों के दोनों एक साथ कंपीट कर रहे थे एक दूसरे की। वो बोल रहा है कि भाई मैं आगे भागू, वो कह रहा है कि मैं आगे भागू। रीजन क्या, वजह क्या, कहीं ना कहीं इनकी जो है वो मिली जुली सरकार है,
जिसकी वजह से इन दोनों के यानी कि जब भी आप मेटावर्स के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर जब भी आप बूम देखोगे ना, याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट यानी कि ETF एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दे रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है वो आपको क्या आएगा, प्राइस एप्रिसिएशन होती हुई नजर आएगी। ये यू समझिएगा एक इंडिकेटर है आपके लिए, यानी कि ELF यानी कि ये वो कॉइन है जिसके अंदर पंप होता हुआ नजर आएगा। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा आपने अंडरस्टैंड करना है कि यानी कि मेटावर्स की जो प्रोडक्ट है, मेटावर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी बूम होती हुई नजर आएगी, ठीक है। और अगर मेटावर्स बढ़ रहा है ये नहीं बढ़ रहा तो आप याद रखिएगा इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि भैया उसके बाद ये कॉइन भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई ना कोई वजह है, रीजन है, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो मैं एंड स्क्रीन के अंदर वीडियो दे रहा हूँ, उसी के अंदर आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि भैया ये प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं चीजें अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहती है, आपके लिए फायदेमंद साबित हो तब कि जब आपको पता हो, ठीक है। पता कैसे होगा, इस चैनल के मदद से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब इस महीने की जो है वो और इस हफ्ते की जो अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, ठीक है। एक ये वीडियो है उसके साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, याद रखिएगा उसके ऊपर भी जो आप माइनिंग का सिलसिला स्टार्ट कर लीजिएगा, और बुलेट के अंदर ऑलरेडी हर एक कॉइन लिस्ट होगा और अच्छी प्राइस जो मिलेगा, मरे से मरा भी आपको $100 रेवेन्यू जनरेट करके देगा कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेकिन पोटेंशियल वाले प्रोजेक्ट याद रखिएगा, पोटेंशियल हो उसी के अंदर होल्ड करो, अदरवाइज हर एक के अंदर पैसा डाल के, हर एक के अंदर टाइम डाल के अपने वक्त को जाया मत करो, ठीक है ना। तो बहरहाल वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इससे पहले मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, फ्लैश USDT की जो अपडेट है वो मैं आपके साथ रात में शेयर कर दूंगा, तो मेक श्योर कीजिएगा आपने स्क्रीन के अंदर जो है वो वीडियो को लाजिम देखना है। एक USDT की प्राइस जो होती है 150 फ्लैश USDT के, यानी कि $100 की इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि आपके पास $1,500-$2,000 इजीली मिल जाते हैं, और इस बुलेट के अंदर कमाना कौन से भी बात है, हर एक बंदा नेटवर्क दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, कमा सकते हो अच्छा, लेकिन स्कैम से बचना है। स्कैम से कैसे बचेंगे, इस वीडियो के अंदर देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपको एंड स्क्रीन में वीडियो दे रहा हूँ, या चले ऐसा कर लेते हैं कि भैया वो जो फ्री माइनिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि ELF वाली जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर इधर दे देता हूँ, और फ्लैश USDT की जो प्रोडक्ट है, फ्लैश USDT की जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन में यहाँ पर दे देता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा दोनों वीडियो देखिएगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। बिरादर वीडियो कहीं पर वाइंड अप करते हैं, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियोस के अंदर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।